स्वागत है दोस्तों आप सभी का पीटीआर एकेडमी में, और मैं हूँ रेचा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लाज्मा थेरेपी टू फाइट कोविड-19। तो चलिए देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में केरल स्थित श्री चित्र तिरुनाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR द्वारा गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट जो है इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि आखिर क्या है। तो गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले चीनी शोधकर्ताओं द्वारा पाया गया कि वुहान, जो कि चीन में है, में 10 वयस्क रोगियों में कोरोना का प्रतिरोध करने तथा उच्च स्तर पर एंटीबॉडीज़ को बनाए रखने में काफ़ी वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है कोविड-19 से ग्रसित रोगियों के उपचार के लिए किसी भी निवारक वैक्सीन या विशिष्ट एंटीवायरल की अनुपस्थिति में यह प्लाज्मा उनसे लिया गया जो कोरोना वायरस से ग्रस्त थे और अब स्वस्थ हो चुके हैं। परीक्षण के आधार पर गंभीर रूप से बीमार लोगों का इलाज करने के लिए यह थेरेपी शुरू करने वाला केरल पहला देश का पहला राज्य बन गया है, और ICMR ने केवल उन रोगियों पर थेरेपी करने की अनुमति दी है जो गंभीर रूप से बीमार हैं। अभी उनका उपयोग केवल क्लिनिकल ट्रायल के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट है कि क्या है प्लाज्मा थेरेपी, आइए देखते हैं। तो जब कोई व्यक्ति वायरस या बैक्टीरिया से संक्रमित होता है तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली एक एंटीबॉडी विकसित करती है। ये एंटीबॉडी उस विशेष सूक्ष्म जीव के खिलाफ एक आजीवन प्रतिरक्षा प्रणाली या अकाल्पनिक प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। यह मरीज एक प्लाज्मा डोनर की तरह काम कर सकता है। जब वह रक्तदान करता है तो केवल प्लाज्मा लिया जाता है और शेष रक्त शरीर में वापस आ जाता है। और नेक्स्ट है इस एंटीबॉडी समृद्ध प्लाज्मा को फिर प्रभावित रोगियों में स्थानांतरित किया जाएगा। ट्रांसफ्यूज में यानी स्थानांतरित प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडी वायरस को लक्षित करेंगे और रोगी ठीक हो जाएगा। इसे निष्क्रिय टीकाकरण कहा जाता है। और नेक्स्ट है आपका अन्य तथ्य देख लेते हैं कि आखिर क्या है। तो अगर अन्य तथ्य की हम बात करें तो प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग 20वीं शताब्दी में हो रहा है, और 1980 में जब स्पेनिश फ्लू कोविड-19 के समान महामारी बन गया था तो प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया था। ऑलरेडी इसका उपयोग हो चुका है। 2019 में H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस महामारी के प्रकोप, 2003 में SARS-CoV-1 महामारी और 2012 में MERS-CoV महामारी के प्रकोप में प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किया गया था। इसके अलावा वर्ष 2014 में जब इबोला वायरस में गिनी, सियेरा लियोन और लाइबेरिया जैसे देश प्रभावित हुए थे तब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वायरस से उभरने वाले रोगियों से प्राप्त होने वाले प्लाज्मा से उपचार किए जाने की क्या दी थी, मंजूरी दी थी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अब देख लेते हैं हमारे आज के क्वेश्चन को। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब भी कोई व्यक्ति वायरस या बैक्टीरिया से संक्रमित होता है तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली एक एंटीबॉडी विकसित करती है। नेक्स्ट है यह एंटीबॉडी विशेष सूक्ष्म जीवी के खिलाफ एक आजीवन प्रतिरक्षा प्रणाली या अकाल्पनिक प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग 18वीं शताब्दी से हो रहा है। तो केवल एक और दो इनमें से कोई नहीं है, केवल दो और तीन। तो जो आपका आंसर हो जाएगा सी, केवल एक और दो। चलिए इसका वो देख लेते हैं व्याख्या। तो प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग 20वीं शताब्दी से हो रहा है, ना कि 18वीं शताब्दी। थर्ड ऑप्शन में 18वीं शताब्दी था। और 1918 में जब स्पेनिश फ्लू एक महामारी के रूप ने क्या है रूप धारण किया था तो प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किया गया था। इसी कारण क्या है जो कथन तीन है वो क्या है गलत है। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक।